हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. दिस इज़ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 बायोलॉजी, फिफ्थ चैप्टर. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अनदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सेंट्रोसोम. इफ यू टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मीन्स आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया. आउटर मेम्ब्रेन विल बी स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन विल बी फोल्डेड. इनर मेम्ब्रेन क्या होगी? फोल्ड होगी, ठीक है. एंड दिस फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर नॉन एज क्रिस्टी. ओके, तो इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन पोरस होगी, कुछ छोटे छोटे इसमें छेद प्रेजेंट होंगे. ओके, एंड माइटोकॉन्ड्रियाज हैव दियर ओन राइबोसोम. जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इनमें अपने राइबोसोम और इनमें सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं. जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, दिस इज सर्कुलर डीएनए. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया नॉन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनोमस यूनिट ऑफ सेल. ओके, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनमें अपना राइबोसोम प्रेजेंट होगा, तो राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा. दैट्स व्हाई उस सेल ऑर्गेनेल्स को सेमी ऑटोनोमस कहेंगे. और ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, जो डीएनए का काम क्या होगा, अपना रेप्लिकेट करना. दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, ठीक है. ये फोल्डेड होती है और इनर मेम्ब्रेन पे एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंट होता है, जिस वजह से यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा. एंड एज यू नो, एटीपी आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी. इनर मेम्ब्रेन में ही एटीपी फॉर्मेशन होने के कारण इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, थोड़ा सा फोल्डेड होती है. अगर हम देखें, कोई भी चीज़ अगर फोल्ड है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिस वजह से उस पर एटीपी का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा. इसीलिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड एंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया अ फ्लूइड इज प्रेजेंट, दैट इज नॉन एज मैट्रिक्स. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया नॉन एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल. वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज द माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, हैंस प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल्स. दे स्टोर एनर्जी, विच एनर्जी रिलीजेज ड्यूरिंग रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी ऑल्सो नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एज वी अर्लियर डिस्कस इट. देयरफॉर दे ऑल्सो नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल. द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज प्लास्टिड. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स एंड अब्सेंट इन एनिमल सेल, बिकॉज एनिमल सेल हेटरोट्रॉपिक होते हैं और प्लांट सेल ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जिस वजह से प्लांट में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जिससे कि प्लांट्स अपना फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. They are usually spherical or discoidal in shape and double membrane bound organelles. ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा. इनमें भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और इसका शेप गोल होगा या डिस्क की तरह होगा. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दे ऑल्सो हैव दियर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. और आप पहले ही पढ़ चुके हो, जितने भी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें अपना माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम प्रेजेंट होगा, उनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनोमस यूनिट ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट टाइप ऑफ प्लास्टिड, तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, इट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. वेयर एज क्रोमोप्लास्ट इज कलरफुल प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन कलर. ग्रीन कलर के लिए आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होगा,
और क्रोमोप्लास्ट फ्लावर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट इन रूट्स, यह हम समझ सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स का बिलो द ग्राउंड पार्ट होगा यानी कि रूट्स, उसमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज करने का, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है, वेरेज हमने क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड था और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड था। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया, ल्यूकोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। सो बेसिस ऑन द स्टोरेज मटीरियल, ल्यूकोप्लास्ट कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड प्रोटियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट विच ल्यूकोप्लास्ट स्टोर एमाइलेज, एलायोप्लास्ट स्टोर लिपिड एंड ऑयल, वेर एज प्रोटियोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। एज यू कैन सी, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट एंड द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन नॉन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देयर आर सम फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच इज नॉन एज स्ट्रोमा। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। एंड सम डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा विच इज नॉन एज थैलाकोइड। जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में ये ग्रीन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, थैलाकोइड कहते हैं। ओके, दिस ग्रीन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज थैलाकोइड। ओके, एंड द ग्रुप ऑफ दिस थैलाकोइड नॉन एज ग्रेनम, ठीक है। जब ये थैलाकोइड एक ग्रुप बनाते हैं, एक के ऊपर एक थैलाकोइड बनाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ थैलाकोइड्स नॉन एज ग्रेनम, ठीक है। ये स्टॉक ऑफ थैलाकोइड नॉन एज ग्रेनम। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, देयर आर सो मैनी ग्रेनम आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इन स्ट्रोमा एंड दीज ग्रेनम आर जॉइंट बाय अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन एज लैमिला। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, इस लैमिला को स्ट्रोमा लैमिला ही कहते हैं बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। एंड स्पेस इनसाइड द थैलाकोइड नॉन एज ल्यूमेन, थैलाकोइड के अंदर का जो स्पेस होगा इसे ल्यूमेन कहा जाता है, जो थैलाकोइड के सेंटर में प्रेजेंट होगा। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज सेंट्रम विच इज लैटिन वर्ड विच मीन्स सेंटर, एंड सेकेंड वर्ड इज सोमा विच इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स बॉडी। सेंट्रोसोम सर्व एज द मेन रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल। अ सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स इज अ स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन स्ट्रैंड कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। बोथ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन एनिमल सेल एंड सम प्रोटिस्ट, विच मीन्स सेंट्रियोल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम, एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रोसोम, एंड दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन स्ट्रैंड विच इज नॉन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स का मेन फंक्शन फूड स्टोरेज का होगा, ठीक है। फूड को स्टोर करने का मेन फंक्शन वैक्यूल्स का होगा। बट अगर हम मैच्योर प्लांट की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, तो इसमें वैक्यूल्स बहुत लार्ज होता है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 80% एरिया ऑफ द प्लांट सेल इज कवर्ड बाई वैक्यूल्स। दैट्स वाई इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट सेल। और अगर बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, जिनका काम फूड स्टोर करना ही होगा। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर।
इसके बाद हम टाइप ऑफ सेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।